झारखंडी एकता जिंदाबाद 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 झारखंडी एकता जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड कैसे लिया 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 झारखंड जोहार दोस्तों, अभी अब तक न्यूज में हम आदित्यपुर थाना में हैं। अभी पिछले दिनों हाथियाडी में उन हाथियाडी के ग्रामीणों को पुलिस के द्वारा जाती की गई थी और जबरदस्ती कुछ लोगों को गिरफ्तार करके हाथियाडी से आदित्यपुर थाना ले जाया गया था। लेकिन कल रात 21 लोगों को, महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, उनके साथ में कोल्हान के जेबीकेएसएस के नेता प्रेम मार्डी को भी गिरफ्तार किया गया। रात में 8 बजे उनको सरायकेला जेल भेज दिया गया। अभी हमारे साथ में जेबीकेएसएस के सदस्य और हाथियाडी के ग्रामीण सभी यहां मौजूद हैं और आदित्यपुर थाना के गेट के सामने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है ये लोग अपने उग्र आंदोलन कर रहे हैं कि प्रेम मार्डी और तमाम हाथियाडी के ग्रामीणों को रिहा किया जाए। हमारे साथ में राजा कालिंदी जी हैं। राजा कालिंदी जी, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपको चैनल के जोहार, और जितने भी यहाँ हमारे माता एवं बहने क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं उन सभी को क्रांतिकारी जोहार। पिछले दिनों हाथियाडी में एक कंपनी के द्वारा जो है वहाँ के रास्ता को अधिकृत कर किया जा रहा था, जिसके वजह से हमारे कुछ महिलाएं वहां पर आंदोलन किए, हमारे जेबीकेएसएस के भाई प्रेम मांडी ने आंदोलन किया और हमारी जितनी भी माता एवं बहने वहां पर आंदोलन में बैठी और वार्ता काफ़ी लंबे समय तक चला। वार्ता होने के बाद एक डिसीजन लिया गया कि प्रशासन के द्वारा एक गुमराह किया गया लोगों को कि ठीक है, आपका जो रास्ता है उसे छोड़ दिया जाएगा, फिलहाल अभी यहाँ पर जो भी आंदोलन है आप लोग बंद कर दीजिए, ऐसा बोल करके वहाँ के ग्रामीणों को धिम्मरित करके पुनः जो है फिर उस बाउंड्री वॉल को दोबारा किया गया और वहाँ का जो स्थानीय रास्ता है उसे पुनः जो है ब्लॉक करने का काम किया गया। तो मैं आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आदित्यपुर थाना एवं जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा वहाँ के गरीब महिलाओं को जो आज तक कभी थाना का हजार तक को नहीं देखे हैं, थाना नहीं देखे हैं, उस गरीब महिलाओं को, उस क्रांतिकारी बहनों को झूठ मूठ से जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा फंसाया गया। इतनी ठंडक में हमारी बहनों को उठा करके जेल में डालने का ये कैसी मानसिकता है? मैं आपके माध्यम से हमारे झारखंडी एकता का परिचय भी दे रहा हूं और मैं उन जिला के बड़े अधिकारियों को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि यह झारखंड है, झारखंड के कोई ऐसा नस को मत दबाइए कि झारखंड एकजुट हो जाए। आज जिस तरह से उन लोगों ने, जिला प्रशासन ने काम किया है, झारखंडी के उस नस को दबाया है जिसके वजह से ये भीड़ आज आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पुनः जिला के बड़े अधिकारियों को बोलना चाहता हूं कि जिस कंपनी के द्वारा वहां अधिकृत किया जा रहा है उनके ऊपर FIR दर्ज कीजिए, जिसके आदेश से, जिस मंत्री के आदेश से जो आप महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। और जिस मंत्री के दबाव में आकर के एक मजदूर, एक हम लोग का नेता, उसको आप लोगों ने झूठ मूठ का जेल भेजने का काम किया, तो क्या इस पर जिला प्रशासन के ऊपर उंगली नहीं उठती है? ये जिला प्रशासन के ऊपर जरूर उंगली उठेगा। क्यों? क्योंकि आप सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। अगर आपको जनमानुष का फिक्र रहता, आपको जनमानुष की रक्षा सुरक्षा की बात रहती, तो आप हमारे जितने भी महिलाएं हैं उसको जेल नहीं भेजते, हमारे क्रांतिकारी नेता को आप जेल नहीं भेजते। राजा जी, ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज 23 वर्ष हो गए झारखंड अलग राज्य होने के बाद, ये तो झारखंड आंदोलन के दौरान बिहार के लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री काल में ये सब होता था। आज जो है आदिवासी सरकार, झारखंड की जल जंगल जमीन की सरकार होने वाली सरकार होने के बावजूद जो है आप लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया जाता है रात में, ये कहाँ तक सही है? मैं खासकर अभी वर्तमान जिनकी सरकार है वो भी एक आदिवासी है, जितने भी हम लोग यहाँ पे आदिवासी मूलवासी बैठे हुए हैं जो झारखंडी हैं, मैं हम सब के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात से जानना चाहता हूँ
मैं इस बात से उनको अवगत भी कराना चाहता हूं कि आप बोलते हैं कि आदिवासी का पार्टी है, आप बोलते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए हम लड़ते हैं, जब चार महिलाओं को जो कभी आज तक थाना का दरवाजा तक नहीं गूंदा उसके ऊपर झूठा FIR दर्ज करके आज एक रात आपने जेल भेजवा दिया, जब आपको न्यूज के माध्यम से यह बात पता चला कि हाथियाडी में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, तो आप अपने स्थानीय मंत्री अपने स्थानीय विधायकों को बुला करके रांची में उससे पूछते हैं कि आखिर यह क्या मामला है जो इतना दिन से चल रहा है। मैं हेमंत सोरेन जी को कहना चाहता हूं, अगर आपको इतनी हमदर्दी अपने आदिवासियों से है तो आप खुद आकर के क्यों नहीं भौतिक सत्यापन कर लेते हैं कि वहां की समस्या क्या है। अगर आज आप समस्या को जान लेते तो आज जो अपने बच्चों को छोड़कर हम लोग अपना रोजगार छोड़कर अपनी माताएं अपने बच्चे को छोड़ करके जो आज आदित्यपुर थाना के समक्ष आकर बैठे हैं, क्या इसमें आपके कलेजे को ठंडक मिल रही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं, जो बहनें वो आपकी भी बहनें हैं, वो हमारी भी बहनें हैं, और आप तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो एक एक बहन के दुख दर्द को समझना चाहिए था, एक एक भाइयों का दुख दर्द को समझना चाहिए था। आज जमुना ऑटो का पर्सनली लाभ पहुंचाने के लिए आप हमारे क्रांतिकारी साथियों को हमारे बहनों को जेल भेजने का काम किया, क्या झारखंड सरकार का यही कर्तव्य बनता है कि जो अपना हक अधिकार के लिए लड़ेगा उसे आप जेल भेज देंगे? तो फिर कैसी सरकार है, कैसे मान लेंगे कि ये झारखंडी पार्टी जो है झारखंड का पार्टी है? हम आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाला समय में 2024 में टाइगर जयराम माथुर को हम सब मिलकर के CM बनाएंगे, जो भी है झारखंडियों का, जो भी झारखंडी जनमानस का जो भी दिक्कत होगा, जो भी समस्या होगा, जो हम एक बात आपको फिर एक छोटा सा आलोचना कर देना चाहते हैं, जब जब देश में अतिक्रमण हुआ, जब जब देश को किसी ने टच करने का काम किया, राजगुरु भगत सिंह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों ने इस देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, वैसे ही आज जब झारखंड में लूट खसोट हो रहा है, झारखंड के झारखंडी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, झारखंडी युवाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो भगवान ने क्रांतिकारी हमारे बीच भेजा है जिसका नाम टाइगर जयराम महतो है। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यह हाथियाडी के ग्रामीण ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई है और ये आंदोलन कर रही है। हाँ बोलिए। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे क्रांतिकारी लोग बैठे हैं, आज जयराम दादा के आंदोलन को देख करके पूरे 24 जिला में, पूरे हमारे झारखंड राज्य के 24 जिला में लोग जागरूक हो गए हैं, क्योंकि उसे ऊपर से भगवान ने कहा है कि जाओ तुम्हारा झारखंड को बचा लो, क्योंकि अभी जितने भी इससे पूर्व में जो भी सरकारें थी उन्होंने सिर्फ हम लोगों को यूज किया, यहाँ की झारखंडी जनमानस को यूज किया और कभी किसी को रोजगार देने का काम नहीं किया। जितने भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारें गई, कभी झारखंडी जनमानस के बारे नहीं सोचे। यूपी से, बिहार से, बंगाल से लोग आकर के झारखंड में रह रहे हैं, क्या झारखंड अनाथ आश्रम है? यहाँ कोई भी आएगा अपना रोजगार करेगा, उसके बाद यहीं आकर के हमारे झारखंडी लोगों के ऊपर दबाव बनाएगा, ये कहाँ तक सही है? जिस दिन जयराम माथुर CM बनेंगे, हम लोग पूर्ण रूप से अपना झारखंडी होने का और झारखंडी एकता का परिचय देंगे। इसी चंद शब्दों के साथ अपने वक्तों को विराम देता हूँ। मैं राजा कालिंदी JBKS जिला कमेटी का सदस्य जोहर। शंकर जी एक बात बताइए, अभी आप यहाँ आदित्यपुर थाना क्षेत्र में यहाँ थाना के गेट के सामने अपने जैविक साथियों के साथ यहाँ खड़े हैं, तो एक बात बताइए अभी अगर क्या यहाँ आगे थाना के सामने क्या कहा गया आपको थाना प्रभारी के द्वारा या SP महोदय के द्वारा क्या कहा गया? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग का कल बीती रात हम लोग का प्रेमदा को कल बेबुनियाद तरीके से बेबुनियाद धारा लगाकर अरेस्ट कर लिया गया है। क्या हुआ, क्या था प्रेम जी, क्या किए थे? प्रेम जी हाथियाडी में जो बन रहे हैं कंपनी के जो मतलब गैरकानूनी तरीके से जो रास्ता को बंद कर रहा है उसका विरोध में ग्रामीण के साथ खड़े थे, ग्रामीणों का सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए जो मतलब गरीबों का आवाज़ उठा रहे थे, तो गरीबों को जिन लोगों ने आवाज़ उठाया जब तब तब सरकार ने कुचलने का काम किया है, ठीक है। उसी तरह से कल प्रेम दादा को अरेस्ट किया गया है कल रात को, उसी लिए हम लोग आ जाए हैं कि प्रेम दादा को मतलब छोड़ा जाए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे अभी इसके बाद? अगर दादा ही बोलेंगे, मैं और एक छोटे से बात से आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे क्रांतिकारी साथियों के द्वारा हमारे महिलाओं के द्वारा मारपीट नहीं किया गया था, उस कंपनी के द्वारा गुंडा मंगा करके हमारे महिलाओं को और हमारे प्रेम मंडी के ऊपर मारपीट किया गया। जिस गुनाह का चक्कर में जिन महिलाओं को पुलिस प्रशासन ने उठाया है, जिस क्रांतिकारी साथियों प्रेम मंडी को उठाया है, उनका तो गलती ही नहीं है।
कंपनी के द्वारा गुंडा मंगाया गया बाहर से, कंपनियों के द्वारा हमारे घर की महिलाओं को छेड़ा गया, और जिनका गलती नहीं रहने के वजह बेबुनियाद गलती में फंसा करके हमारी झारखंडी महिलाओं को जेल भेजने का काम किया। तो क्या बाहरी लोगों का इतना प्रकोप कि आप कंपनी भी खोले, बाहर से गुंडा भी बनाए, हमारे लोगों को मारे भी और हमारे लोगों को जेल भी भेजे, क्या यही सरकार है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एक बार पुनः कि जितनी जल्दी हो सके उन सभी दीदियों को छोड़ा जाए, प्रेम माडी को छोड़ा जाए, ये आंदोलन एक घंटा में समाप्त हो जाएगा। चलिए राजकुमार जी, जी आपका क्या नाम हुआ? मैं बुद्धिनाथ मुर्मू। बुद्धिनाथ मुर्मू जी, जहाँ भी मैं देखता हूँ झारखंडियों के साथ में अत्याचार होता है, अन्याय होता है, जैविक किसान की टीम यहाँ हजारों की संख्या में पहुँच जाते हैं, और आप लोग जो युवा हैं, सच में मैं आप लोगों को जोहार करता हूँ कि आप लोग झारखंडी के साथ में खड़े हैं। आज जो ये घटना हुई, आप लोगों की अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है और जेल भी जाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। आज हथियारडी में जो कंपनी के विरुद्ध कोल्हान के हमारे जेबीकेएसएस के नेता प्रेम माडी जी और 21 बहन महिला बहनों को जो आज जिला प्रशासन ने रात में और इतना कड़की ठंड में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, ये बहुत ही नाइंसाफी है। और प्रशासन ये उकसा रहे हैं हम झारखंडियों को कि हम फिर से यहाँ एक ऐसा मुहिम, ऐसा आंदोलन करें जिस समय हमारे झारखंड आंदोलनकारी इस झारखंड के लिए अलग राज्य लड़ाई लड़ने के लिए जो आंदोलन किए थे, बलिदान दिए थे, वही आग आज लगाने का काम कर रहे हैं यहाँ जिला प्रशासन। तो हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और यहाँ के जो भी MLA MP है उनके इशारा से कंपनी काम कर रही है, और हम चाहेंगे जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, अन्यथा हम इतना ये आंदोलन को इतना उग्र रूप और इतना बृहद करेंगे कि प्रशासन का नींद हम हराम कर देंगे। ये प्रशासन का तनाशाही है और यहाँ वर्तमान झारखंड सरकार का ये तनाशाही है जो आज दिख रहा है हम झारखंडियों को। अभी अगर मान लीजिए अगर आंदोलन राय जी, अगर आंदोलन आज इन लोग वार्ता सफल नहीं होती है तो इसके बाद जैविक किसान टीम क्या करेगी? देखिए, अगर आज वार्ता नहीं होती है हम लोग कोई उठ के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मैं अपने जिला के वरीय अधिकारी मैडम को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि जिस जुर्म से आप लोगों ने उस महिलाओं को, उस भाइयों को जेल भेजा है, मेरा मैडम से ही निवेदन है कि आप ऊपर फोन कीजिए, जिसके दबाव में आप लोगों ने उठाया है उसी से बात करके बोलिए कि आज जो स्थिति आदित्यपुर हमारे इस अगल बगल क्षेत्र में जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं उस स्थानीय मंत्री, स्थानीय जो भी अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं उनके दबाव में आकर के सब किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी भी महिलाएं और प्रेम माडी को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को रिहा कर दे, हम लोग उठ जाएंगे। और दूसरी मांग कि हथियाडी में जो रोड को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उसे खुद मुख्यमंत्री आकर के भौतिक सत्यापन करके जाए कि हाँ यहाँ रास्ता है, यहाँ अभी से रास्ता नहीं है। मैंने खुद मैप को देखा है, जो खतियान का लंबा सा मैप होता है उसको हम देखें, उसमें सही में रास्ता है। अगर लोग झूठ बोलेंगे तो किसके पास इतना समय है कि लोग आंदोलन करेंगे, किसके पास समय है? तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, जिला के उपायुक्त सरायकेला खरसवां से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है भौतिक सत्यापन करें, और वहाँ रास्ता है तो रास्ता को छोड़ दे, हम लोग आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वहाँ पर रास्ता आप नहीं छोड़ेंगे तो आंदोलन होगा, आप झारखंडी से टकराएंगे तो आपको तो समझ में आ जाए कि झारखंडी एकता क्या है। इसीलिए मैं चंद शब्दों में अपने वक्तों को विराम देता हूँ, और भी लोग हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस प्रोग्राम को कवच किया, इसके लिए मैं क्रांतिकारी जोहार आपको भी धन्यवाद। तो अब ये है अब तक न्यूज आपको दिखा रहा है, आयतपुर थाना के सामने जेबी केसेस का प्रदर्शन, हथियारी ग्रामीणों का प्रदर्शन, महिला बैठे हुए हैं। अब तक न्यूज सच आपके सामने, जोहार झारखंड, जय झारखंड।